तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सास्के ओपी। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में भाई बहुत सारी मौज ले रहे होंगे। तो ये है सास्के की पाठशाला का एपिसोड नंबर 4 एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले कि इवन दो अगर आपने जाबडॉस को लूज किया उसके बाद भी आप कैसे मैच में रिटर्न आ सकते हैं एंड कैसे मैच को जीत सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले भाई अपना बजेगा इंट्रो। तो गाइज आई नो कि जब भी हम जाबडॉस को लूज कर दे तो अपने टीम का मोरल डाउन हो जाता है एंड बहुत बार यही टीम का जो मोरल डाउन होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा मैचेस हार जाते हैं। तो इस वीडियो में कुछ टिप्स बताई गई है जिनको आप फॉलो करके जो आप एक टक्कर की फाइट दे सकते हैं एंड आपके जीतने की चांस इंक्रीज कर सकते हो। तो टिप नंबर 1 ये है कि अपोजिट टीम ने जाबडॉस को ले लिया है एंड अगर आपकी HP फुल है तो उनको बेस पे रोकने की कोशिश मत करो, उनको बीच में ही रोकने की कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो बेस पे 20 सेकंड्स की रिंग होने वाली है तो वो तो भूल ही जाओ, आप उसको डिफेंड कर पाओगे, वो तो छोड़ ही दो। उनको कहाँ पकड़ना है पता है, जो बीच का रास्ता होता है ना वहाँ पकड़ो, क्योंकि बहुत बार जो अपोजिट पोकेमॉन्स है ना वो जाबडॉस के साथ लड़ के आए होते हैं एंड उनकी जो HP है ना वो कम होती है एंड अगर आप तब फुल HP पे हो ना तब आसानी से उनको बीच रास्ते के बीच में ले सकते हो। बट इस टिप का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप भी जाबडॉस के साथ लड़ रहे थे देन डोंट ट्राई टू फाइट विद एनिमीज, क्योंकि आपकी भी HP कम होगी एंड जब अपोजिट टीम एक झुंड आता है उनका उनके पोकेमॉन्स का एंड फिर आप वहाँ पे डिफेंड नहीं कर पाते। तो समरी में टिप नंबर 1 ये थी कि उनको कहाँ पकड़ना है कि जो आपका बेस का एरिया होता है एंड जो जाबडॉस का एरिया उनका बीच का सेंटर का एक एरिया होता है, जंगल एरिया कह सकते हो, या अगर वो डाउन पाथ या अप पाथ चाह रहे तो उस एरिया को उनको पकड़ना है ताकि उनकी HP वहाँ पे कम होती है एंड वहाँ पे उनको आसानी से लिया जा सकता है। तो गाइस टिप नंबर 2 यह है कि अगर टिप नंबर 1 फेल हो चुकी है तो बेवकूफ़ों की तरह अपने बेस पे जाके गोल को डिफेंड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि चाहे आप 10 यूनाइट मूव मार लो वहाँ पे फिर भी पोकेमॉन्स नहीं रुकने वाले। इसका सबसे बड़ा ये रीज़न ये है कि देखो वहाँ पे इंस्टेंट गोल होने वाला है, यानी कि क्लिक दबाते ही गोल होने वाला है। तो 99% जो प्लेयर्स है ना वो अपने मौत के बारे में नहीं सोचते, वो यही सोचेंगे कि यार मैं जाऊंगा एंड वहाँ पे इंस्टेंट गोल्ड डाल के आऊँगा। देखो अगर 5 पोकेमॉन्स है 50-50 पॉइंट्स है तब भी 500 पॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि फाइनल स्ट्रेच में पॉइंट्स डबल होते हैं। तो टिप नंबर 2 में हमें ये करना है कि अपोजिट खेलना है, मतलब अपने गोल के तरफ नहीं जाना है। अगर अपोजिट पोकेमॉन्स आपके गोल के तरफ जा रहे हैं तो उनका गोल तो भी खाली होने वाला है ना भाई, तो सीधा जाओ ना उनके गोल की तरफ इंस्टेड ऑफ अपने गोल पे जाके बेवकूफ़ों की तरह उसको डिफेंस करके आपकी मौत होने से अच्छा है। फिर उस आपको 30 सेकंड्स का टाइम आउट मिलेगा, यानी कि तो आपकी तो वहाँ पे ही लग गई पूरी। इसके अलावा अपोजिट पोकेमॉन्स के अगर आप बेस पे गए एंड वहाँ पे जाके आपने गोल मार दिया तो एटलीस्ट एक फाइट बैक का चांस बनता है। एंड गाइज इसी टिप से ना एक मैच में एक टक्कर बनी रहती है एंड फिर लास्ट में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो फिर भी आप वहाँ पे जीत सकते हो। तो गाइस टिप नंबर 3 ये है कि देखो अभी आपने गोल मार दिया है तो आपके सारे पोकेमॉन्स को अपोजिट पोकेमॉन्स के बेस पे मत रोको, आपका सिर्फ एक पोकेमॉन वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो वाइल्ड पोकेमॉन्स हो गए ना उनको मार के वो पॉइंट्स कलेक्ट कर सके एंड गोल मारते रहे। तो आपके जो बाकी के 4 पोकेमॉन्स हो गए ना उनको वापस रिटर्न बेस पे बुला लो, क्योंकि जो पोकेमॉन्स अभी तो गोल मार रहे हो ना, एंड ये कब करना है 20 सेकंड होने के बाद करना है, मतलब जब रिंग खत्म होगी ना तो उसके बाद जाके नाव अभी उनको मारने की कोशिश करो, क्योंकि नाव अभी आप उनको मार सकते हो एंड आप उनको गोल करने से रोक सकते हो। तो क्या करना है, आपके एक पोकेमॉन को उनके बेस पे रोकना है ताकि वो वाइल्ड पोकेमॉन्स को मार सके एंड फिर 4 पोकेमॉन्स आपके बेस पे वापस आके वहाँ के जो अपोजिट पोकेमॉन्स है ना उनको ख़त्म कर सके, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि 30 सेकंड्स का उनको एक टाइम आउट मिलेगा एंड इस 30 सेकंड्स में आप एक डोमिनेशन कर सकते हो। अब आप ये डोमिनेशन कैसे कर सकते हैं कि टिप नंबर 4 ये है कि जैसे ही आप अपना बेस पूरा साफ कर लोगे ना फिर आपके सिर्फ एक पोकेमॉन को अपने बेस पे रोको एंड फिर 3 पोकेमॉन्स को फिर से अपोजिट पोकेमॉन्स के बेस पे छोड़ दो, क्योंकि नाव उनके पास जो पॉइंट्स कलेक्ट होंगे ना कि जो पॉइंट अपोजिट पोकेमॉन्स को अभी जिन्होंने मारा है बेस पे वो पॉइंट्स वो जाके स्कोर कर सकते हैं।
तो समरी में अगर चार टिप्स बताऊँ तो पहली टिप नंबर 13 थी कि अगर पॉसिबल है कि पोकेमॉन्स को बीच में रोक सकते हो तुम तो रोको एंड वहीं पे उनको मारो। टिप नंबर 2 ये थी कि आपके पास जो पॉइंट्स हो गए उनको जाके पहले स्कोर करो इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग योर गोल। थर्ड टिप ये थी कि जैसे ही आप पॉइंट्स स्कोर करते हो आपके बेस पे वापस आओ एंड वहाँ पे जो सारा कचरा पड़ा है अपोजिट पोकेमॉन्स का उनको पहले साफ कर लो। एंड टिप नंबर 4 ये थी कि फिर से आगे जाके अपोजिट पोकेमॉन्स के बेस पे डोमिनेट करने की कोशिश करो क्योंकि फिर आपके पास थोड़े से पॉइंट्स होंगे एंड फिर वो पॉइंट्स डबल होंगे गाइस, सुनो वो पॉइंट्स डबल होंगे एंड इसके वजह से आपको एक फाइट बैक करने का मौका मिलता है। तो ये थी सारे टिप्स, आई होप इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। ज़रूर ये टिप्स ट्राई करना एंड कमेंट में ज़रूर लिख देना कि क्या इस टिप से आप मैचेस जीत रहे हो, क्योंकि गाइस बहुत बार मैंने ये मैचेस जीती है, 80% टाइम मैंने ये मैचेस जीती है, तो आई नो ये टिप्स काम करती ही करती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट एंड गेम खेलते रहो, बाय बाय।